हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उनसे बात करते हैं। पूनिया जी, मदन जी की याचिका खारिज हो गई है हाईकोर्ट में, उसके बाद अब क्या विकल्प है? मदन जी हार मानने वाले थोड़ी हैं, एक याचिका और लगाएंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। आप लड़ते रहेंगे बात कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने लड़ाकों के साथ में बैठक भी की है, चर्चा भी की है, राव राजेंद्र अरुण जी, राजेंद्र जी, क्या इस चर्चा में कुछ खास तौर से निकल कर? देखिए, कल जो सतीश मिश्रा जी ने जो पत्र राज्यपाल महोदय को, स्पीकर महोदय को लिखा है, उसमें जिस तरीके की नज़ीर का उल्लेख है उससे ये स्पष्ट है कि किसी भी दल में विलय के लिए एक जो निर्धारित मापदंड है उसका यहाँ पालन नहीं हुआ। केवल विधायकों का किसी दल में अपनी इच्छा से उसमें शामिल किया जाना, और वो भी बहुत तानन फानन में, बिना किसी तार्किक आधार के, तो उसमें कहीं गुंजाइश दिखती है कि यदि न्यायपालिका उसमें ठीक तरीके से सारे तथ्यों का विश्लेषण करेगी तो मुझे लगता है कि एक आधार बनता है कि इसको चुनौती दी जा सके। तो अभी राय मशवरा कर रहे हैं कि इसमें जो कानूनविद जो राय देंगे उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। आप न्यायपालिका में और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, उधर स्पीकर ने अपने कदम एसएलपी से पीछे खींच लिए हैं, इधर सरकार भी कोई कमी नहीं छोड़ रही, दबाव बनाने की हर संभव कोशिश है, अब राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की। कांग्रेस ने, क्योंकि यदि इसकी बुनियाद में जाएंगे तो घूम फिर के बात वहीं आएगी कि झगड़ा कांग्रेस का ही है, इसमें बाकी चीज तो धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गई, उसके आगे के जो सर्कमस्टेंसेज हुए उसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया, विधानसभा भी इन्वॉल्व होगी, बीजेपी को भी उन्होंने शामिल कर लिया, राज्यपाल भी शामिल हो गए, लेकिन ये ध्रुव सत्य है कि इस कांग्रेस के इस आचरण की जिम्मेवार वो खुद है। वो संयुक्त राष्ट्र संघ में चले जाएंगे तो भी यही बात निकल के आएगी। तो सतीश पूनिया कह रहे हैं कि पूरे मामले का समाधान होने में समय लग सकता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो रामधुनी कर रही है उसे अभी से इसका अभ्यास कर लेना चाहिए क्योंकि आगे इसी की जरूरत पड़ने वाली है। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।